ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन एवर वी डिफाइन द पोल्यूशन वी हैव अ लॉट ऑफ डेफिनेशंस ऑफ पोल्यूशन. द डेफिनेशन व्हिच इज गिवन इन योर बुक इज पोल्यूशन इज द एक्शन ऑफ एनवायरमेंटल कॉन्टेमिनेशन विद मैन मेड वेस्ट. इट मीन्स दैट that how much pollution we are created. Pollution is when gases, smog and chemicals are introduced into the environment in large quantity that makes it harmful for humans and animals. ठीक है, environmental means maholiyati, contamination means aloodgi, यानी हम माहौल जो इंसान अपने माहौल को आलूदा करते हैं, अपने एनवायरनमेंट को, अपने एटमॉस्फेयर को आलूदा करते हैं, वो क्या है, आपकी पोल्यूशन है. ठीक है, वी हैव टू डिस्क्राइब मैनी काइंड्स ऑफ पोल्यूशन विच इज एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन, एंड अदर टाइप ऑफ पोल्यूशन आर नॉइज पोल्यूशन एंड लाइट पोल्यूशन. अनप्लेजेंट साउंड इज कंसिडर एज नॉइज पोल्यूशन. ठीक है, और लाइट पोल्यूशन क्या हो गया आपकी, ऐसी लाइट जो आपको अनअट्रैक्टिव लगे या बहुत शार्प लगे, जो आपको अच्छी ना लगे अपनी आईज के लिए, ठीक है, वो क्या है आपकी, लाइट पोल्यूशन है. सो बेटा, सम फॉर्म ऑफ पोल्यूशन कैन बी सीन एंड सम आर इनविजिबल. फॉर एग्जांपल, नॉइज पोल्यूशन इज इनविजिबल बट लाइट पोल्यूशन इज विजिबल. एयर पोल्यूशन एट सम एक्सटेंट इज विजिबल, लैंड पोल्यूशन इज विजिबल एंड वाटर पोल्यूशन इज ऑल्सो विजिबल, बट नॉइज पोल्यूशन इज इनविजिबल. सो वी आर सेइंग दैट द सम काइंड ऑफ पोल्यूशन कैन बी सीन एंड सम आर अनसीन. सो मूव ऑन द लैंड पोल्यूशन. एनवायरमेंटल कॉन्टेमिनेशन विद मैन मेड वेस्ट ऑन द लैंड इज कॉल्ड लैंड पोल्यूशन. सेम डेफिनेशन है लैंड पोल्यूशन की, वाटर पोल्यूशन की, एयर पोल्यूशन की और पोल्यूशन की. यू जस्ट हैव टू ऐड वन वर्ड, ठीक है, दैट इज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लैंड पोल्यूशन यू विल ऐड द लैंड पोल्यूशन एट द एंड ऑफ द डेफिनेशन ऑफ पोल्यूशन, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एयर पोल्यूशन यू विल ऐड द एयर एट द एंड ऑफ द डेफिनेशन ऑफ पोल्यूशन. Or what we have discussed about the pollution, environmental contamination or with the man-made waste. ठीक है, जो इंसानों ने आलूदगी फैलाई हुई है, इंसानों के वेस्टेज की वजह से जो हमारा सराउंडिंग्स गंदी हो चुकी हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पोल्यूशन कहते हैं. अब हमारे पास लैंड पोल्यूशन आती है, एक्चुअली इट इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ सर्फस, और यू कैन से डैट इट इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ लैंड सर्फस as a result of man's activity and their misuse of land resources. ठीक है, नीचे आपको जो है वो दी गई है, उसकी causes दिए गए हैं. When we first think of pollution, we often think of trash by the side of the road. This is the biggest problem in the 21st century pollution. ठीक है, pollution जो है वो 21st century का सबसे बड़ा issue है. ठीक है, आप जो जब पोल्यूशन के बारे में इमेजिन करते हो, जब आप उसको कंसीडर करते हो, सोचते हो, तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या इमेज आता है कि रोड्स के ऊपर जो है वो एक गार्बेज है, या रोड्स की सराउंडिंग्स जो हैं वो पोल्यूटेड हैं गार्बेज से. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉजेज ऑफ लैंड पोल्यूशन इज गार्बेज, द वेस्टेज मटीरियल विच वी थ्रो वेरी कॉन्फिडेंटली इन आवर सराउंडिंग्स. सेकेंड इज माइनिंग. Mining directly destroys the land, producing large holes. Although mining is also an occupation, at some extent it is useful, but हर चीज के side effects होते हैं. तो mining का side effect क्या है कि वो आपके surface के अंदर, land surface के अंदर जो है वो large holes बना देता है. ठीक है, the third one is factories. We all know that many factories produce a significant amount of garbage and waste or chemicals. ठीक है, what is the landfills? Landfills are the areas where garbage is placed in the land. ये कौन सा एरिया होता है लैंड का जहां आप देखते हो कि गार्बेज का जो है वो ढेर सा लगा होता है. ठीक है, now we will discuss what are the effects of land pollution on your health. Cancer, distortion of your land and skin problems, dust allergy, eye irritation due to dust allergy,
ठीक है, दीज आर द अफेक्ट्स ऑन योर हेल्थ ड्यू टू द लैंड पोल्यूशन. सो क्लास, व्हाट इज द लैंड पोल्यूशन? इन्वायरमेंटल कॉन्टेमिनेशन विद मैन मेड वेस्ट ऑन द लैंड, यानी माहौल की वो आलूदगी जो मैन मेड वेस्ट या ह्यूमन वेस्ट की वजह से आपको जमीन के ऊपर नजर आती है, या आप कह लो इट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस एज अ रिजल्ट ऑफ मैन्स एक्टिविटी एंड देयर मिस यूज ऑफ लैंड रिसोर्सेज. विच एक्टिविटीज? थ्रोइंग गार्बेज, माइनिंग, फैक्ट्रीज में यूज करना, ठीक है, ये सारी क्या है? एक्टिविटीज हैं विच वी आर परफॉर्म्ड एंड क्रिएटिंग लैंड पोल्यूशन. एंड वट आर द अफेक्ट्स ऑन योर हेल्थ? कैंसर, स्किन प्रॉब्लम्स, स्किन एलर्जी, डस्ट एलर्जी एंड मैनी अदर प्रॉब्लम्स में कॉज ड्यू टू द लैंड पोल्यूशन. नाउ एयर पोल्यूशन, वट इज द एयर पोल्यूशन? इन्वायरमेंटल कॉन्टेमिनेशन विद मैन मेड वेस्ट इन द एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन. यू कैन सी द डिफरेंस. पोल्यूशन इज द एक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल कॉन्टेमिनेशन विद मैन मेड वेस्ट. यहाँ पे आकर हमारी पोल्यूशन की डेफिनेशन जो है वो एंड हो जाती है. ठीक है, नाउ लुक ऑन द लैंड पोल्यूशन. इन्वायरमेंटल कॉन्टेमिनेशन विद मैन मेड वेस्ट ऑन द लैंड इज कॉल्ड लैंड पोल्यूशन. हमने मैन मेड वेस्ट के आगे एक वर्ड का एडिशन किया है लैंड पोल्यूशन का. ठीक है, ऑन द लैंड, तो इससे क्या बना? लैंड पोल्यूशन. Now move on the air pollution. Environmental contamination with man-made waste in the air is called air pollution. Okay, yani you just have to learn the definition of pollution. Then for land pollution, you just have to insert one line on the land and it would make the definition of land. Then you will add in the air. It will make the definition of air pollution. Okay, students. Now read out what is the air pollution. First of all, effects of health. Different kinds of land pollution have been known to have adverse effects. Adverse effect का मतलब क्या है? कि बदतरीन effects जो हैं वो आपकी health के ऊपर आते हैं. On the health of animals and humans, the harmful chemicals that get into soil and water can cause cancer, deformity, spleen distortion and skin problems. Now the air pollution is environmental contamination with man-made waste in the air is called air pollution. Air pollution is when unwanted chemicals, gases and particles enter the air and the atmosphere causing harm to animals and damaging the natural cycle of the earth. It means that beta, it occurs when harmful substances or harmful aap kehlo substances ko particles introduced into the atmosphere is called air pollution. When harmful particles enter or introduced in an environment or in atmosphere, it causes the air pollution. For example, burning fossil fuels is the major example of your air pollution. Jab hum fossil fuels ko burn karte hain to ek pollution create hoti hai. Factories ka jab dhuan nikalta hai wo kya cause karta hai? आपका एयर पोल्यूशन क्रिएट करती है. और अगर हम फैक्ट्रीज का गार्बेज और वेस्टेज मटेरियल जो है वो किसी लेक में डिस्पोज ऑफ करें तो वो वाटर पोल्यूशन क्रिएट करता है. ठीक है, और अगर उसे हम इसी तरह किसी जगह पर ढेर लगा दें तो वो लैंड पोल्यूशन क्रिएट करता है. ठीक है, यानी फैक्ट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा तरीकों से हर तरह का काइंड ऑफ पोल्यूशन क्रिएट कर सकता है. ठीक है, now you can see on your screen primary pollutants and the secondary pollutants. This is all about the air pollution. Now what is the primary pollutants? The primary pollutants are directly emitted from processes such as fossil fuels consumption. Examples are oxides of sulfur, carbon and nitrogen. Secondary pollutants are not emitted directly. They formed
when primary pollutants react with themselves, ground level ozone. Okay, beta. Now, what is the primary pollutants? In fact, it caused by the direct release into the environment. Yani primary pollutants jo hain, wo किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते बल्कि वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट के अंदर किसी वजह से रिलीज हो जाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आपके एटमॉस्फेयर के अंदर ऑलरेडी मौजूद है. जब इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी अपने नॉर्मल लेवल से तो ये क्या करेगा, आपकी एयर के अंदर पोल्यूशन क्रिएट करेगा, टॉक्सिक बन जाएगा और आपके नेचुरल लेवल से ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, ये क्या है आपका प्राइमरी पोल्यूटेंट. यानी प्राइमरी पोल्यूटेंट जो है वो एयर पोल्यूशन की टाइप ही समझ लें, लेकिन ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती बल्कि ये डायरेक्ट रिलीज होती है. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद होती, नॉर्मल क्वांटिटी में मौजूद होती है. ठीक है, लेकिन जब ये अपनी एक स्पेसिफिक रेशो से ज्यादा हो जाएगी, स्पेसिफिक अमाउंट से या स्पेसिफिक लेवल से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी तो टॉक्सिक बन जाएगी, यानी जहरीली बन जाएगी, हार्मफुल बन जाएगी आपके लिए. ठीक है, सेकंड हमने पढ़ा है सेकेंडरी पोल्यूटेंट. इट डिपेंड्स ऑन द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स. यू कैन से दैट इट इज द रिएक्शन ऑफ टू प्राइमरी पोल्यूटेंट्स. ठीक है, व्हेन टू और मोर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स रिएक्ट इन एटमोसफेयर एंड कॉज एडिशनल एटमोसफेयरिक पोल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल स्मोग यू हैव सीन इन विंटर. ठीक है, आप जो है वो लाहौर में स्मोग बहुत ज़्यादा देख चुके हुए हैं विंटर सीजन में. ठीक है, यानी प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो हैं वो डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, और जो आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट है वो डिपेंडेंट है आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट पे, और रिएक्शन ऑफ टू प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्रिएट द सेकेंडरी पोल्यूशन. Next is the air quality index. This is what? Air quality index. What is the use of air quality index? ठीक है, air quality index is a way for the government to alert people to the quality of the air. Or you can say it is used for reporting daily air quality. ठीक है, it is used for daily एयर क्वालिटी. ये आपको इन्फॉर्म करता है कि आपका जो आज का एयर क्वालिटी है वो कैसी है, आपकी कल की एयर क्वालिटी जो है वो कैसी थी. इट टेल्स यू हाउ क्लीन और पोल्यूटेड योर एयर इज. ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स का क्या काम है, वो बताता है गवर्नमेंट को या उसके कंसर्न डिपार्टमेंट को कि एयर की क्वालिटी जो है वो किस तरह की है. ठीक है, ये पोल्यूटेड है, क्लीन है. अगर पोल्यूटेड है तो हमें बाद में फिर इसके बेस के ऊपर देखना पड़ता है कि हमें जो है वो क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी पड़ेंगी एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए. अब हमारे पास जो है वो इंडेक्स क्या है एयर क्वालिटी का, ग्रीन, पर्पल एंड मेहरून. अगर हमारा क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ग्रीन होगा इट मीन्स द एयर इज गुड और हेल्दी. अगर पर्पल होगा वेरी अनहेल्दी, अलार्मिंग सिचुएशन पे आ जाएगा. और मेहरून जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगा. इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो चुकी है आपकी एयर जो है. ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स फिर गवर्नमेंट को और कंसर्न डिपार्टमेंट्स को लेने पड़ेंगे. अंडरस्टैंड. नाउ क्लास, मेजर कॉजेज ऑफ द एयर पोल्यूशन, कि एयर पोल्यूशन जो है वो क्यों हो रही है. Human activity is the major cause of air pollution. In fact, class, human activity is the major cause of every pollution. ठीक है? Air pollution is caused by burning fossil fuels, and fossil fuels include lot oil and natural gas. Other causes are factories, power plants, cars, fumes from spray cans, and methane gas from landfills. यानी जब लैंडफिल्स और गार्बेज जो है वो एक जगह पर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, मैथीन गैस जो है वो प्रोड्यूस करता है. नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द एयर पोल्यूशन. बहुत जो है वो इसके ख़तरनाक किस्म के इफेक्ट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग. नाउ व्हाट इज़ द ग्लोबल वार्मिंग.
gradually increase in your overall temperature of the earth atmosphere is the global warming. यानी जैसे जैसे आपका अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है उसको क्या कहते हैं हम, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब ये क्यों है आपका, सबसे बड़ा जो इसका कॉज है ग्लोबल वार्मिंग का वो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो गैसेस कलेक्ट कर लेता है एटमॉस्फेयर के अंदर वो ग्लोबल वार्मिंग या ग्रेजुअली इंक्रीज इन योर टेम्परेचर का बाइस बनता है। ठीक है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ओजोन लेयर क्या होती है। ओजोन लेयर इज अ शील्ड अराउंड द अर्थ डैट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द सन अल्ट्रा वायलेट रेस। आपको पता है कि सन में से अल्ट्रा वायलेट रेस निकलती हैं। अब ओजोन लेयर का क्या काम है, जो भी हार्मफुल रेजेस होती हैं वो उसको उधर ही स्टॉप कर देता है, और जो इफेक्टिव होती हैं, जो आप ह्यूमंस के लिए कह लें यूजफुल होती हैं, अनहेल्दी नहीं होती, उसको वो अपने शील्ड में से पास कर देता है। ओजोन लेयर जो है वो आपके सरफेस पे एक शील्ड है। ठीक है, आपकी अर्थ के ऊपर एक शील्ड है जो आपकी अल्ट्रा वायलेट रेसिस को और दूसरी हार्मफुल रेसिस को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब डिप्लीशन क्या है कि इसकी डिस्टॉर्शन है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इनफैक्ट क्या है बेटा, डिस्टॉर्शन ऑफ योर ओजोन लेयर है, या आप कह लो रिडक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ ओजोन इन अर्थ सराउंडिंग्स। ठीक है, यानी आपकी अर्थ के सराउंडिंग में जो है वो ओजोन लेयर जब कम हो जाती है तो वो क्या है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। इसके बाद आपके पास आता है एसिड रेन। अब एसिड रेन क्या होता है, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन। व्हेन पेट्रोलियम आर बर्न इन एटमोसफेयर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज रिलीज सर्टन हार्मफुल गैसेज इन टू द एयर। ठीक है, दीज गैसेज कम्बाइन विद ऑक्सीजन एंड वाटर इन द एयर। यानी ये सारी गैसेज जब निकलती हैं, फैक्ट्रीज में से गैसेज निकलती हैं, आपके जब कार चलाते हो, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स चलाते हैं हम लोग, पेट्रोलियम जो है, कॉल जो है वो बर्न होता है तो वो ऊपर की तरफ उठता है। ठीक है, जब बारिश होने वाली होती है तो वो ऑक्सीजन के साथ और आपके बारिश के पानी के साथ मिक्सअप हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जब बारिश का पानी इसके साथ मिक्स हो जाता है तो वो एसिड रेन बन जाती है, या आप कह लो कि आपकी केमिकल्स वाली बारिश बन जाती है। ओके, द लास्ट इज इट कॉजेज डिजीजेस सच एज लंग्स कैंसर एंड रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन। रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन भी जो है वो आपकी ब्रेथिंग में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती है। ठीक है,